जय हो बाबा जी की बाबा जी की जय हो बाबा जी जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यासिर सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फेमस फूड। आज हम आए हैं फैसलाबाद के मिनकुमरी बाज़ार के बिल्कुल सामने बाबा जी का ठेला है, जहाँ पे बाबा जी ने देसी नाश्ता लगाया हुआ है फुल देसी स्टाइल में। इनके पास नाश्ते में बेसन वाली रोटी होती है, इसके अलावा इनके पास एक बहुत ही यूनिक किस्म का पेड़ा होता है जो कि मक्खन का पेड़ा है और उसके ऊपर कुछ शक्कर डालते हैं ये। इसके अलावा साग होता है और मक्खन डालते हैं उसमें भी, तो बहुत ही यूनिक किस्म का नाश्ता, साथ चाटी की लस्सी। तो आइए चलते हैं बाबा जी के पास और इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे कब से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। कितना तबीयत सेहत है? हाँ खैर शुक्र। अच्छा बाबा जी ये दसो कि इतने किन्ने अरसे तो मौजूद हो? ये 35 साल से ऊपर हो गए हैं तकरीबन। इसी जगह पे होंगे? हाँ पहले इसी जगह। हाँ इसी जगह। बाबा जी नाश्ते के विच की होंदा तुहाडे कोल? मक्खन साग, शक्कर मक्खन, रायते वाला मक्खन, नाल बेसन वाली रोटी, चाटी दी लस्सी। बाबा जी घर बनांदे हो सारा कुछ या घर ही तैयार करा? अच्छा बाबा जी इत्थे किस टाइम तो लेके किस टाइम तक होंदे हो? सुबह 6:30 बजे आ जी, 10:30 बजे तक। बाबा जी छुट्टी भी होंदी किसी दिन या नहीं? रोजाना। कोई छुट्टी नहीं? हाँ नहीं कुछ। यहाँ पे कब से आ रहे हैं और बाबा जी का नाश्ता कब से एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? यार बेसिकली हम लोग उकाड़ा से आए हैं, तो YouTube पे ये वीडियो देखी थी, ये मक्खन के ऊपर शक्कर डालने वाली, बचपन में खाया करते थे तो देख के बड़ा दिल किया कि यार ये खाना चाहिए। तो दोस्त बैठे हुए थे तो ये दोस्त बैठे हुए मेरे अभी भी साथ बैठे हुए, रात को भी साथ बैठे हुए थे, तो हमने सोचा यार ये खाना चाहिए। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा ऑर्गेनिक फील आ रही है ऐसे इस तरह नीचे बैठ के और इस तरह बाबा जी का ये देसी माहौल में खाने का, बड़ा अच्छा लग रहा है। बाबा जी के जय हो बाबा जी की बाबा जी की जय हो। अभी गुज़िश्ता रात हम लोग बैठे हुए और ये वीडियो हमारे सामने आई थी और उकाड़ा से मैं आया हूँ। हम लोग खाने आए हैं जी ये मक्खन और शक्कर के साथ रोटी, एंड दिस इज आप ये समझ ले वर्थ इट। आपको आने के बाद रिग्रेट नहीं होगा कि आप लोगों ने एक वाइब फूड नहीं लिया, ये आप समझ लें एक वाइब फूड है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं और टेस्ट के लिहाज से बताऊं तो बेहतरीन, वो कहते हैं जी बहुत आला। यार ये बेसिकली मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, मुझे कल रात इन भाई ने वीडियो दिखाई थी यूट्यूब के ऊपर, तो वो यूट्यूब के ऊपर वीडियो हमें इतनी अट्रैक्ट की क्योंकि हमें ये बचपन में ये सारा कुछ हमने एक्सपीरियंस किया हुआ था। तो हम इस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए हम उकाड़ा से रात को हमने प्लान किया, सुबह को हम निकले और इस नाश्ते के लिए हम इधर आगे पहुंच गए। स्पेशल इसी चीज़ के लिए आए हम उकाड़ा से और ये आके हम इधर आए हैं, तो वाकई वर्थ इट था, मज़ा आ रहा है हमें और जय हो बाबा जी। अब इनके नाश्ते की तरफ चलते हैं और नाश्ते को टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि ये देसी स्टाइल में जो नाश्ता है, क्योंकि पंजाबी कल्चर हमारा पंजाब में काफ़ी यूनिक हो गया है। पहले पाकिस्तान में ये चीज़ हर घर में पुराने वक्तों में मिलती थी और देखने को मिलती थी और हर घर में तकरीबन मोस्टली खाई जाती थी ये चीज़, मगर अब ये काफ़ी यूनिक हो गया। तो बाबा जी ने इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे घंटा घर मिनकुमरी बाज़ार में ये बिल्कुल देसी स्टाइल में नीचे बैठ के ये नाश्ता लगाया हुआ है। अब इनके नाश्ते को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बाबा जी नाश्ता लगाओ जी साढ़े वास्ते। जी ये आ गया हमारा मक्खन और ऊपर बाबा जी ने शक्कर डाली है, ये तो हमारा तैयार हो गया है। बाबा जी साग और मक्खन वो भी करें हमारे लिए। उसके बाद जी ये हमारे पास स्पेशल सरसों का साग आ गया और ऊपर मक्खन का टच है। अब इसके साथ स्पेशल बाबा जी की ये रोटी है, रोटी आप देखें जी बाबा जी की स्पेशल रोटी है जो कि तंदूर से ये ऑर्डर पे तैयार करवाते हैं, ऊपर इसके बेसन लगा हुआ है, मिसी रोटी से कहा जाता है देसी लैंग्वेज के अंदर। ये इसके साथ जी सर्विंग में है, ये देखें जी काफ़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है, एक प्लास्टिक का रखा हुआ है इन्होंने मग टाइप सा, उसके ऊपर ये कोली जो है बिल्कुल फिट आ जाती है ताकि सालन जो है नीचे ना हो और पों के यानी कि लेवल पे ना हो, बेहरमती ना हो सालन की। काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी देसी स्टाइल में इसकी प्रेजेंटेशन की हुई है। बाबा जी लस्सी साड़ी, इसके बाद जी ये लस्सी भी आ गई है जी हमारे पास, स्पेशल चाटी की लस्सी है। लस्सी से स्टार्ट लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ओरिजिनल चाटी की लस्सी है। आप यकीन करें कि चाटी के लस्सी का बिल्कुल टेस्ट आ रहा है। चाटी की लस्सी की पहचान ये होती है कि इसमें थोड़ी सी ना खटास होती है, तो वो इसमें वाकई टेस्ट है। और अब इनका खाना जो है वो ट्राई करते हैं। ये है जी साथ बाबा जी की स्पेशल मिसी रोटी भी कहते हैं इसे हमारी पंजाबी कल्चर जबान के अंदर। इसके अलावा इसको कहते हैं जी बेसन वाली रोटी, जो कि स्पेशल तंदूर पे बाबा जी ने ऑर्डर पे तैयार करवाई है। इसको टेस्ट करते हैं जी। ये मक्खन का पेड़ा है जी, उसके ऊपर शक्कर डाली हुई है। काफ़ी यूनिक टच है। पहले होता था देहातों के अंदर गाँव वगैरह में ये चीज़ देखने को मिलती थी, हमारे बड़े बताते हैं, तो बाबा जी ने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी तक कायम रखा हुआ है। इसको अब टेस्ट करते हैं इस मिसी रोटी के साथ। यकीन करें बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े का टेस्ट आ रहा है इसका। मक्खन और ऊपर शक्कर, आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या फीलिंग्स हैं कि मुझे ये कितने मज़े का लग रहा है। ये है जी साग, मक्खन का टच है जी, जो कि पूरे पाकिस्तान में शायद ही कोई हो जो ना इसको पसंद करता हो, या शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें ये ना बनती हो। साग और मक्खन का जो टेस्ट है बहुत ही मज़ेदार है, तो आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। फैसलाबाद के इलाके घंटा घर के मिंडगुमरी बाज़ार में जब भी आइएगा, बाबा जी का देसी नाश्ता जो है लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत यूनिक, बहुत देसी और बहुत ही मज़ेदार है। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान यासर सीकी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए फेमस स्टोर। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़।